Hello, dear learners. This is day 39 of our English speaking course, and today we are going to cover the sentences of quarrel, apologies, and anger. So let's start. Quarrel. Why are you losing your temper? आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? Beware. Don't utter it again. सावधान, यह दोबारा मुंह से ना निकालना. You are very short tempered. तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो. He has got on his nerves. उसने मेरी नाक में दम कर रखा. He has got on my nerves. He has got on my nerves. Come what may, जो हो सो हो. What harm or wrong have I done to you? What wrong I have done to you? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? यू विल हैव टू मेंड योर वेज. तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा. वाई डू यू क्वारल विद हिम अननेसेसरी. क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो? डोंट गेट वॉक्ड अप और डोंट गेट एक्साइटेड. आवेश में आओ. नाउ सेटल द मैटर सम हाउ. अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ. आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस? क्या आपके होश ठिकाने हैं? गेट आउट ऑफ माई साइट और गेट लॉस्ट. मेरी आंखों से दूर हो जाओ. हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स? आपका हमारी बातों से क्या संबंध? हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स? नाउ पुट एन एंड टू द कंट्रोवर्सीज. डोंट स्ट्रेस द मैटर फर्दर. बात को अधिक ना बढ़ाओ. गो टू हेल. भाड़ में जाओ. लेट हिम मेडिएट बिटवीन द टू पार्टीज. इन्हें दोनों पक्षों के बीच फैसला कराने दो. द क्वारल इज सेटल्ड. द मैटर एंड्स हेयर. झगड़े का फैसला हो गया. नाउ बी फ्रेंड्स. अब एक दूसरे से मिलो. अपॉलजीज. प्लीज डोंट माइंड दिस. आप बुरा ना माने. प्लीज डोंट फील बैड अबाउट इट. आई वॉज जस्ट जोकिंग. मैं तो मजाक कर रहा था. आई एम सॉरी आई गोट लेट. माफ कीजिए मैं समय पर नहीं आ सका. आई वॉज सॉरी. और आई वॉज पेन टू हियर दिस. मुझे यह जानकर दुख हुआ. एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज बीन एनी मिस्टेक. कोई गलती हो गई तो क्षमा कर ले. आई बेग योर पार्डन. मैं आपसे माफी चाहता हूं. प्लीज एक्सक्यूज माई इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. मेरी गलत उच्चारण को माफ करें. आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. बीच में बोलने के लिए मुझे माफ करें. आई एम सॉरी आई कुड नॉट कॉल यू. माफ कीजिए मैं टेलीफोन नहीं कर सका. अपोलोजीज ऑन माई बिहाफ. मेरी ओर से माफी मांग लीजिए. डोंट बी अपोलजी. इट डज नॉट मैटर. माफी मत मांगिए. आपकी माफी मत मांगिए. कोई बात नहीं. सॉरी डोंट बी अपोलोजाइज. अपोलोजाइज. इट डज नॉट मैटर. इट वॉज मेयरली डन बाई मिस्टेक. यह तो केवल गलती से हो गया. आई एम वेरी सॉरी. मुझे बहुत अफसोस है. डोंट बी ऑरी. डोंट बी वरी. डोंट बी वरी. नो हार्म इज डन. आप चिंता ना करें. कोई हानि नहीं हुई. आई एम वेरी सॉरी आई हैव अनोइंगली हर्ट यू. सो बाई दिस वे यू कैन प्रैक्टिस. क्रोध एंगर. चुल्लू भर पानी में डूब मरो. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. सेम ऑन यू. यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. यू आर टू क्लेवर. तुम बड़े स्मार्ट. यू आर एक्सट्रीमली कनिंग मैन. तुम बड़े चालू आदमी हो. सेम ऑन यू. लानत है तुम पर. यू आर मीन कनिंग फेलो. तुम बड़े नीच और धूर्त हो. यू डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस. सॉरी आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस. डोंट शो मी योर फेस अगेन. मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता.
डंट टॉक नॉन सेंस और स्टॉप यपिंग बक बक करो, बक बक बंद करो. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है. इट्स ऑल योर डूइंग, यह सब तुम्हारी करतूत है. यू कांट गेट अवे लाइक दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, तुम इससे बच नहीं सकते. यू डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस, यू कैन नेवर बी फॉरगिव, तुम्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता. यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस और यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसके जिम्मेदार तुम हो. सो दैट्स ऑल फॉर द डे 39 ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स.